गुड मॉर्निंग जैन साहब, आपका फिर से जयपुर में स्वागत है, बताएं सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। कल बॉम्बे स्टूडियो में आपके साथ शो करके तो हमेशा मजा आता ही है, बट कल का इलेक्शन के रिजल्ट्स ने अपना सारा मजा किरकिरा तो किया ही है, अब उसका कोई इलाज नहीं है जो भी है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक एग्जुबरेंस थी मार्केट में और जो एक डरावना, मतलब हर तरीके से हर स्टॉक जो चल रहे थे हाई बीटा स्टॉक्स, अब वहां पे विराम लगा और मैं कुछ दिनों से काफी हद तक डिफेंसिव स्टॉक्स की, इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स की बातें कर रहा था। और कल जब जैन साहब के जेम्स भी दिया तो मैंने एबर्ट दिया था और मैंने कुछ दिनों से एचयूएल के बारे में काफी वोकली मैंने ये स्टॉक को दिया था और वो स्टॉक ने एक्स्ट्राऑर्डिनरली आउट परफॉर्म किया है, बट दो मैंने जेम्स में नहीं दिया। बट आज देखिए एबर्ट हमारा, और कल दीपांशु की मुझे बात याद रही कि भारी भड़कम टारगेट दिया जैन साहब ने, तो आई थिंक टारगेट्स भी अचीव हो जाएंगे। सो एनीवेज, आज भी उसी तर्ज पे डिफेंसिव स्टॉक लाया हूं और मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंसिव स्टॉक्स को जो मार्केट्स ने इग्नोर किया हुआ था और जो एमएनसी स्टॉक, जो स्लो मूविंग स्टॉक्स थे, उन सब पे नजरें बनानी चाहिए। दैट कैन बी अ गुड वे टू पार्क मनी एंड मार्केट्स के साथ पार्टिसिपेट करना जहां पे भी रिकवरी आए। तो एक वही स्टॉक है एक्जो नोबेल इंडिया लिमिटेड। एक्जो नोबेल, देखिए ये स्टॉक को मैंने थोड़ा कम ही कवर किया है जैन साहब के जेम्स में, हालांकि इवनिंग शो में मैंने स्टॉक को कवर किया है। और ये स्टॉक पेंट्स कंपनी जनरली अंडर परफॉर्म कर रही थी, अगर आप दोनों तीनों कंपनीज को देखें तो एशियन पेंट्स भी अंडर परफॉर्म कर रहा था, बर्जर पेंट्स भी अच्छा नहीं कर रहा था। एक्जो नोबेल वैसे एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेंट्स एंड वार्निश मैन्युफैक्चरर है, नीदरलैंड्स की कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडियरी है। बट इंडिया में उस लेवल पे एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के लेवल की मार्केट क्या अपनी है, बट वैल्यूएशंस बहुत सस्ते और ये भी एक्शन में आ रही है ये कंपनी। और बहुत ज्यादा इसमें बड़े प्लेयर्स नहीं है, चार पांच प्लेयर्स का ये मार्केट है, बाकी छोटे छोटे प्लेयर्स और भी रहते हैं। बट अब मैं बोलता हूं कि स्टॉक का अगर पी मल्टीपल देखते हैं, अच्छा पहले मैं टारगेट देता हूं जैसा कि अनिल जी ने बोला था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको 2900 के टारगेट के लिए, 2900 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 3000 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। और 11,000-12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक का पी मल्टीपल सस्ता है, हमने इनके प्रोडक्ट्स भी देखे हैं, यूज भी किए होंगे, ड्यूलेक्स पैंट्स हमने देखा है। और मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, फंडामेंटल्स पे बात करता हूँ। रिटर्न नंबर्स एक्सीलेंट, 42-43% का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी 33%। और स्टॉक का पी मल्टीपल एज कंपेयर टू एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स जो कि बहुत महंगे वैल्यूएशंस पे चलते हैं, उसके सामने सिर्फ 27 है, एशियन पेंट्स 51 है, जो कि अच्छा खासा वैल्यूएशंस पे चलता था। तो करेक्शन के बाद ये स्टॉक्स ज्यादा परफॉर्म नहीं किए, और क्रूड ऑयल अगर कंट्रोल में रहता है तो इसको फायदा होता है इस सेक्टर को। सेल्स की क्या, अगर मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो नहीं भी किया है तो पिछले 5 साल में प्रॉफिट की क्या अगर 17% की रही है, तो आई फील इट्स अ गुड स्टॉक। और सबसे बढ़िया बात, ऊपर का लेवल्स 3000 के लेवल से करेक्टेड लेवल्स पे हमें मिल रहा है और आज के मार्केट में, और ऑलमोस्ट अपने 200 डेमा और 50 डेमा के ऊपर है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आज देखना जरूरी है, क्योंकि कल निफ्टी ने भी मार्केट्स में जब करेक्शन आ रहे थे तो अपने 200 डेमास के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस किया है, और 200 डेमा को रेस्पेक्ट अब ऐसे मार्केट्स में करना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे हिसाब से, और लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे थे एज कंपेयर टू मार्च, 95 करोड़ के पैट के सामने 109 करोड़ का पैट, एंड प्रोमोटर्स की तो सर्टेनली स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग होती है इन कंपनी से 75% की, और आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में जाते हैं तो एशियन पेंट्स भी इसमें 4.5% के लगभग होल्ड करता है। सो आई फील इस स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे, डाउनसाइड रिस्क मुझे कम लगती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखती है, और 2800 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को 2900 और 3000 के